ऑडिटोरियम बनाए, गैलरीज बनाए। और विशेष बात है यहाँ पर लाइट की व्यवस्था जो की है, हमने यहाँ पर अभी जो पहले 5-7-6 साल से जो लाइट थी उससे डबल लाइट लगाई और पूरा जैसा कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता प्लेयर, और बैठने की व्यवस्था अच्छी की है। दूसरी बात है वीआईपी या कोई सेलिब्रिटी आती है मैदान में, उनको आने जाने की बहुत दिक्कत होती थी, पब्लिक बहुत क्राउड रहता था, इसलिए उनके लिए भी हमने व्यवस्था की है ब्रिज बना के डायरेक्ट स्टेज पर आना। और दूसरी बात है ग्राउंड में जो पब्लिक 4 या 6 मारने के बाद में आती थी प्लेयर को मिलने के लिए, वो भी एक मुसीबत होती है, इसके लिए हम लोग पूरा ग्राउंड को बैरिकेड लगा के उसको बंद किया है। और लाइट की व्यवस्था, पब्लिक के बैठने की व्यवस्था, और ख़ास करके जो खेलने वाले लोग हैं उनको कोई तकलीफ नहीं हो, इसके लिए हम लोग उसके लिए विशेष पेवेलियन बनाए। और दूसरी बात है व्यासपीठ के ऊपर जो सेलिब्रिटी होती है उनको बैठने के लिए बहुत बड़ा व्यासपीठ हमने बनाया है। और विशेष बात है अन्ना के माध्यम से, धनराज के माध्यम से, जिस दिन फाइनल होगी 16 तारीख को, उस दिन सेलिब्रिटी अन्ना की टीम और जो अपने एक्स क्रिकेटर इंडिया के संदीप पाटिल, चंद्रकांत पंडित, लालचंद राजपूत, धनराज पिल्ले, ये सब एक टीम बना के आपस में एक मैच खेलेंगे सेलिब्रिटी में, वो प्रमुख अपना इवेंट्स का प्रोग्राम है। मतलब मुंबई हीरोज को धोने की पूरी बंदोबस्त करके रखे हुए, क्योंकि हम लोग जनरली हम लोग मारते हैं इधर, मार खाने के लिए हमको बुलाया, सब दिग्गज प्लेयर्स को धनराज भाई ने जमा किया है कि अभी देखो इनको हम क्या करते हैं बोल के। तो अभी अगले साल आई थिंक टूर्नामेंट में हम लोग एक एक्टिंग का भी ये रखेंगे मैच, ऐसे कुछ करना पड़ेगा। तो ये साल तो धुल जाएंगे हम लोग, अगले साल देखेंगे। अभी डेफिनेटली स्पोर्ट्स के लिए अगर ऐसा हुआ तो एक अल्टरनेट करियर भी बनता है। जैसे पहले हम जब स्पोर्ट खेलने जाते थे तो माँ बाप हमेशा परेशान रहते थे कि यार पढ़ लिख कर कुछ बन जा, स्पोर्ट्स से क्या होगा। लेकिन आज माँ बाप देखते हैं कि बच्चे अपना अल्टरनेट करियर पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट में कर सकते हैं। एंड आई थिंक इसलिए थैंक्स टू IPL हो या कबड्डी लीग हो, टेनिस लीग हो, हॉकी लीग हो, सुप्रीमो जैसे लीग हो, वह जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आई थिंक यूथ के लिए भी एक पॉजिटिव हेल्दी एनवायरनमेंट में बड़े होने का मौका मिलता है। जो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ऑफकोर्स ऑल्टरनेट करियर होता ही है, लेकिन हेल्थ के तरफ बच्चे जाते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तब जाके उनकी जिंदगी जिंदगी कहलाती है। अभी अन्ना की टीम में जो भी है उनको पता है, लेकिन क्रिकेट का टीम जो है यहाँ पर हमारे लालचंद जी राजपूत हैं, संदीप पाटिल हैं, साईराज बहुतले हैं, वसीम जफर, अमित दानी, अरे बरस क्रिकेटर जो है सर्व एचम खेला। ऐसे नाम सुन के खुद बोल रहे कि ये लोग आएंगे नहीं तो। लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ अभी एक्टर लोग में सचिन तेंदुलकर की खुद की फिल्म आ रही है, तो सचिन अभी एक्टर हो चुके हैं, धोनी भी फिल्म में आ चुके हैं, अजय जडेजा है, अजहरुद्दीन है, आई थिंक हम लोग भी सोच रहे हैं अभी क्या करें। तो सोच अभी मेरा दिमाग वही चल रहा है कि धनराज भाई ने ड्रिबल कर लिया और पीछे से भी बॉल ले लिया और टांग के बीच में से भी, तो देखना पड़ेगा अभी। एक टीम बची हुई थी जिन्हें हम टी शर्ट रिवील करने थे, सब मिलकर सुप्रीमो के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लानिंग चल रही है, आई थिंक शायद वो है, ये है कि हम देश भर में घूमते हैं फ्रॉम अ बीच के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुंबई के जो बीचेस है इतने खूबसूरत है, वो कभी स्पोर्ट्स के पॉइंट से इस्तेमाल किया नहीं गया। तो इस बार आई थिंक हम लोग एक टूर्नामेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं बीच क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ मुंबई के बीचेस को हम एनहांस करेंगे और बीच की खूबसूरती लाएंगे, ताकि मुंबई भी जो जिस
वजह से जाना जाना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कोस्टलाइन अगर देखोगे तो आप महाराष्ट्र की बीचेस है, इसलिए उसे प्रमोट करने के लिए भी हम स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स करने की कोशिश करेंगे और शायद इस बार क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिकेट खेलेंगे जो दुनिया भर में मशहूर है, तो वो एक दिवाली के आसपास, दिवाली या दिसंबर के आसपास वो कोशिश हमारी जारी रहेगी।